देखिए इस तरह से, और ये देखिए किस तरह से आप लोग को जो है ना इसका जो है कि आवाज सुनाने की कोशिश। मरनो उपरांत जीने की यदि चाह है तुझे, मरनो उपरांत जीने की यदि चाह है तुझे, तो सुन सीधी राह बतलाता हूँ मैं तुझे। तू कुछ लिख ऐसा कि जमाना डोल उठे, तू लिख कुछ ऐसा कि जमाना डोल उठे, या फिर तू कर कुछ ऐसा कि जमाना बोल उठे। नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नेक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी ग्रहा बलुआहा हम लोग आए हैं, और इनके यहाँ से कॉल था कि इनके यहाँ कोई सांप है जो कि पता नहीं कि विशाल है या विशी ने, सर्च करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सर्च करते हैं, तब तक आप वीडियो पे बने रहे। वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नेक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। ये देखते हैं फटाफट, बस थोड़ा ही देर लेते हैं। चलो बाबू आप लोग हट जाइए। वही ना, फोटो खींच कर भेजते तो हम लोग लाइट अपना लेके आते हैं। अच्छा चलिए लाइट सुनील जी जला लीजिए। मोबाइल वाइल से नहीं चार्ज होने वाला, दूसरा लाइट है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से जो है ये दिखाइए सुनील जी, बहुत ही बिग साइज का जो है कि स्पेक्टिकल कोबरा है ये, और हम लोग यहाँ से ये, चलिए लाइट की जरूरत भी नहीं, पकड़िए। चल फिर आप लोग बाहर चलिए और इसे हम लोग जो है ना कि कैच कर लेते हैं, और उसके बाद जो है इसको सही सलामत हम लोग जो है कि जंगल में जाकर छोड़ देंगे। और दोस्तों ये देखिए यहाँ कार काट रहे हैं। दोस्तों मौत बहुत सस्ती है, हर मोड़ पर मिल जाता है, मौत बहुत सस्ती है, हर मोड़ पर मिल जाता है, कीमत तो जिंदगी का है जो तराशने में पूरा उम्र बीत जाता है। और बहुत ही बिग साइज का, ये देखिए किस तरह से जो है एकदम आक्रामक मूड में, और इसका आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे और हम सुनाने की आवाज़ कोशिश करते हैं आपको यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए किस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है, और हम जो है ना कि अपना हेडफोन से जो है ना कि आप लोग को जो है ना इसका जो है ना कि आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह से आप जो है ना कि घर में एक चॉकलेट का खाली डब्बा होगा, चलिए इसको हम लोग जाके सही सलामत जो है ना कि गजब का आवाज, चलिए इसको हम लोग जो है ना कि सही सलामत कैच करते हैं और सही सलामत इसको हम लोग जंगल में लेकर चलेंगे, जिसको हम लोग रिलीज कर देंगे। एकदम आक्रामक मूड में, हमेशा की तरह एकदम आक्रामक मूड में, ये देखे किस तरह से जो है कि एकदम आक्रामक मूड में रहता है, और बहुत ही बिग साइज का है। और ये देखिए ये खाना बनाने वाला चूल्हा है इसमें जो है, और ये केचली में है जिसके कारण जो है, चलिए 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 बाहर चलिए, और गजब का आवाज जो सुन रहे हैं, और बहुत ही बिग साइज का कोबरा है ये, और करीबन, और ये देखिए मुझे हैंडल करने में भी जो है थोड़ा सा टफ होता है। चलिए और ये देखिए बिग साइज का, और जी हाँ एकदम, इसे नाग बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग जो है कि गेहूमन सांप बोलते हैं, ठीक है। आप लोग दूरी बना कर रहे, और बताते हैं थोड़ा सा आप लोग जो है कि थोड़ा सा रहिए स्थिर रहे, किधर ठंडा इधर है कहाँ, तो और ये देखिए किस तरह से जो है ये एकदम आक्रामक मूड में, और इस सांप को किस तरह से जो है, और ये सांप केचुली में है, उसके बाद जो है किससे ये इतना एक्टिव है, अगर केचुली में नहीं रहता तो ये सांप बहुत ही एक्टिव रहता और एकदम आक्रामक मूड में।
और दोस्तों इस जीव को जो है ना कि बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और ये हमेशा जो है ना कि बाइट करने के फिराक में रहता है, क्योंकि ये आदमी से पकड़ से छूटकर जो है ना कि ये भागना चाहता है। ये भी बेजुबा जीव है, इसको ये पता नहीं है कि हम इसे बचाने आए हैं, इसको बस यही केवल है कि हम कैसे यहाँ से जो है कि निकल जाए। और ये देखिए किस तरह से एकदम आक्रामक मूड में। और ये देखिए किस तरह से जो है और ये सांप जो है कि केचुली में है, इसलिए इस सांप को जो है कि अधिक परेशान करना हम लोग नहीं चाहते हैं। ये काटने के लिए हमें ही नहीं, किसी को भी रहेगा तो ये काटने के लिए दौड़ेगा ही। मनी वाला ऐसा कोई सांप नहीं होता है। ये सांप जो है कि ये गलत बात है कि मनी होता है। सांप का उम्र जो है कि इस सांप का उम्र केवल 25 साल से 30 साल उम्र रहता है। और फिल्म सब में जो बताया जाता है वो आपको जो है कि 100 साल के बाद जो है कि मनी की बात किया जाता है। 100 साल का पूर्ता ही नहीं है सांप का उम्र। इस सांप का उम्र जो है कि केवल 20 साल उम्र ही रहता है। अंतर मंतर कुछ नहीं होता, इस बात को ध्यान रख ले। हमारे हाथ में ना एक बद्दी है ना गर्दन में कोई भगवान जी का आती है। मतलब ये नहीं कि हम भगवान को नहीं मानते, मानते हैं। भगवान वो होता है जो हमारे आपको जो मदद करते हैं, वो भगवान है। और इस सांप के लिए जड़ी बूटी जो है कि कुछ नहीं होता है। सपेरा सबके लिए जो है कि रोजी रोजगार है। ये सपेरा जो है कि अपना पेटी में रखेगा, उसके बाद इसके साथ जो है कि इसे लोगों को दिखाएगा तो रोजगार मिलेगा। हम लोग को जो है कि सांप को पकड़ने के बाद इंसान से काफी दूर जहाँ पे आदमी का आवागमन नहीं हो वहाँ पर इसको छोड़ देना, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो हम लोग यहाँ से ऐसे करते हैं और चलिए इसको सही सलामत हम लोग डब्बे में पैक कर लिए और सही सलामत इसको जंगल में जाकर छोड़ देंगे, ताकि अपना जीवन जो है कि व्यतीत कर सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए देखिएगा सर।